विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे Thank you. न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। कल सिरसा के संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के समय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रहे। इसी के साथ बीजेपी पार्टी के तमाम नेतागण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया भी इस कार्यक्रम में पहुँचे थे। कार्यक्रम में पहुँचते ही मुख्य अतिथि ने जो पहले से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि एक पौधा माँ के नाम, इसी के तहत उन्होंने कल सिरसा के संत सरसाई नाथ के भूमि पूजन के समय सीएम द्वारा एक पौधा भी लगाया गया था जो कि माँ को समर्पित करते हुए उन्होंने पौधारोपण किया था। इसी के साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए जो नक्शा तैयार किया गया था वो नक्शा भी उन्होंने देखा और साथ ही भूमि पूजन भी किया। नारियल फोड़कर जो उन्होंने भूमि पूजन किया था। इसी के साथ मंच पर पहुंचने के बाद मुख्य अतिथि ने तमाम जो भी वहां पर नेतागण मौजूद थे या पब्लिक मौजूद थी उनको संबोधित भी किया और विशेष बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया ने मंच पर सबके सामने सभा में जो कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, यानी कि चाहे वो मेरी पार्टी से संबंधित हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति या नेता जो भी अच्छा काम समाज के लिए करने का काम करेगा हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय बात है और इसी के साथ ही उन्होंने जो अपनी तमाम सिरसा की मांगे हैं या फिर कह सकते हैं सिरसा की जरूरतें हैं वो सीएम के सामने रखी। तो इसी पर मुख्यमंत्री ने जो कहा कि वो जहाँ पर 22 एकड़ ज़मीन लगभग मेडिकल कॉलेज के लिए दे रहे हैं वहीं पर 5 एकड़ लगभग ज़मीन जो है कैंसर के मरीजों के लिए या फिर कह सकते हैं कि विशेष तौर पर कैंसर का जो एक हॉस्पिटल बनाने के लिए उनके द्वारा दी जाएगी। कार्यक्रम जब समापन की ओर था तो मैनेजमेंट के द्वारा टेक्निकल माध्यम से राष्ट्रगान चलाया गया था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से या फिर मैनेजमेंट के लोगों की लापरवाही की वजह से राष्ट्रगान बीच में ही रुक गया था। तभी सभा में मौजूद लोगों के द्वारा राष्ट्रगान को गाकर पूरा किया गया था जो कि सभा में मौजूद लोगों की राष्ट्रहित भावना को दर्शाता है और वहीं पर जो मैनेजमेंट पर और साथ ही मौजूदा अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा करता है।